अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। और आप सब सोच होंगे आज इतने दिनों बाद इसको कैसे व्लॉग बनाना याद आ गया। तो मुझे हुआ था डेंगू, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हुई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बातें की जाएँ और लाइक कुछ वीडियो शेयर की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, मैं ठीक भी हो गई हूँ। तो आप लोगों को पता जैसे कि डेंगू काफ़ी उससे वीकनेस हो जाती है। तो खैरियत से मैं जॉब पे भी आई हुई हूँ। मैं काफ़ी दिन से ऑफ लिए हुए थे, बीमार थी इस वजह से। तो मैंने सोचा अब ठीक तो हो गई हूँ तो क्यों ना कहीं जाया जाए। घर में भी रह रहे के एक तो फीवर बुखार के साथ आप काफ़ी ज़्यादा आवाज़ार हो जाते हो। और फिर मैंने कहा घूमते हैं, और मैंने इकरा को कॉल की और आज आई है। इकरा बाहर बैठी हुई वेट कर रही है। तो आज देखें हम कहाँ जाते हैं, जो चले इकरा से भी मिलते हैं। हेलो इकरा। हाँ जी, ये मेरी ऐसी दोस्त है कि जब मेरे घर मेरा पूछने तक नहीं आई थी, जब मुझे डेंगू हुआ था। जब इसको डेंगू हुआ था तो इसने कहा था मुझसे दूर रहो दूर रहो, मुझे कोविड था। डेंगू की खुद अपनी बहन के घर पे थी। हाँ तो खैर आज इकरा आई है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फोर्ट्रेस जा रहे हैं हम लोग। जॉयलैंड जाएंगे, झूले लेंगे और झूले देंगे। हाँ, और अब चलते हैं हम फोर्ट्रेस और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं और साथ साथ वीडियो भी शेयर करती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड, बाय। नो नॉट बाय। खैर अभी हम लोग आ गए हैं फोर्ट्रेस। और अभी हाँ, इस मैडम को आज फिर शॉपिंग करनी है, अंदर जा रही है। नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, ये मुझे कह रही है कि हम लोगों ने जो मेकअप किया हुआ ना ये धूप के अंदर सबको बहुत फटाके से नजर आता है। खैर अभी हम बाहर वीडियो बना रहे थे तो गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड जो थी उनकी बाहर, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप वीडियो बनाना अलाउ नहीं, आप बंद करें। वाह, इकरा वन पे चले या लाइम लाइट पे कुछ मैंने कपड़े देखे थे वो देख लेते। तो खैर अभी हम चलते हैं लाइम लाइट और देखते हैं। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ खरीदना तो पड़ेगा, बात तो गए कुछ लेना पड़ेगा। तो चले अभी मैंने एक ये ड्रेस लिया है, मैंने भी ये लिया और इकरा ने भी ये लिया है। और एक हमने लिया है ये वाला ड्रेस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये वाला लिया और लाइमलाइट से लिया, ये भी मैंने और इकरा ने सेम लिया है। और वैसे भी मैं और इकरा ज़्यादातर सेम ही कपड़े लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी इस बार इनकी वैरायटी आई है और ये भी बहुत प्यारा लगा था। और इसको हमने सोचा खुद लाइक कपड़ा ले कर स्टिच कराएंगे। फिर हमने वहाँ से तो ले लिया। यहाँ पे ये कुछ नाइट सूट देख रही है। नाइट सूट ले रही हो? ब्लैक सिल्क में ना ये वाले दिखाओ। इकरा ग्रीन अच्छा लग रहा है, वैसे प्यारा कलर लग रहा है। ब्लैक तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ क्या ब्लैक, वैसे भी हम ब्लैक कपड़े पहनते रहते हैं। कितने रुपए महंगा इधर बताई। कितने का है वो वाला? कितने का ये? 2900। और ये 3200 का। ओए होए, चल भी ब्लैक ही ले ले। अगर तू 200 क्रिसमस तो नहीं लग जाएगा? तूने क्या पहन के बाहर घूमने सोना है ना? 400 मैम आपको दे देंगे, मैम ने कहा ग्रीन ले। चल दे दूंगी, क्या याद ये तुमसे व्लॉग में बोल भी हो, 100 रुपए का हिसाब रखती है दफा व्लॉग भी नहीं बोल रही, पक्का वादा 400 रुपए दे दूंगी तुझे सदका समझ के। उसको मैं 400 रुपए का सदका दूंगी। अब तू क्या देख रही है? जैसे ग्रीन वाला प्यारा लगे। अभी उस दिन तो तुमने बोली है कसम से जंपसूट से वॉशरूम भी नहीं बंदा जा सकता। ये वाकई में मैं और इकरा ने कभी भी जंपसूट नहीं पहना क्योंकि उसमें वॉशरूम जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक मेरे पास है बहुत प्यारा जंपसूट है लेकिन मैं उसको बड़ी मुश्किल से पहन रही हूँ। गई चेंज करने के लिए और अंदर से इतनी गंदी स्मेल आ रही है इस रूम से। तो अभी खैर वो एयर फ्रेशनर करवा रही है और उसके बाद वो चेंज करेंगे, लाइक ट्राई करेगी अपना ड्रेस और फिर हम डिसाइड करेंगे उसको ग्रीन लेना है कि ब्लैक लेना है। भी इस लड़की की वजह से जो है हमें खरीदनी पड़गी। ठीक है, ये रही मेरी और ये रहे इसके। और ओ इकरा वो तू फिर रही, वो दे तुम्हारी तुम्हारी होगी, जो भी होगी मेरी तो नहीं है।
कहाँ जाना है? खैर अभी हम लोग जॉयलैंड आ गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है मुझे और इकरा को, तो इसीलिए अब हम आए हैं KFC और अभी देखते हैं यहाँ से क्या ऑर्डर करना है। ये इकरा लंबी लाइन में लगी हुई है ऑर्डर करने के लिए और ये इनका काउंटर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इतनी लंबी लाइन में उनका पहली दफा देखा होगा पब्लिक प्लेस वॉशरूम में दो दो लड़कियां और तीसरा अंदर कोई आ रहा था और वो क्या सोच निकला हम दो दो लड़कियां वॉशरूम में। खैर ये अभी बाहर जाएगी और देन मैं यूज करूंगी। खैर अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और अभी हम यहाँ से निकले, अब हम जाएंगे जॉयलैंड झूले पे और चलते हैं बाहर और ये देख लें आप। खैर आज कोई इतना शुक्र है रश नहीं है, वरना कल बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने आइसक्रीम खानी थी और ज़्यादा हम लोग खाते नहीं, इसीलिए हमने एक ही लिए संडे मैकडॉनल्ड्स से और अभी ये खाते हैं, इसके बाद झूले वगैरह लेते हैं तो आपको साथ साथ दिखाते हैं वहाँ पर हम क्या करें। ये देखिए इसको ज़रा तमीज नहीं के फ्रेंड का वेट कर ले के साथ में खाएँगे। ये देखिए मुझे खिलाइए। हम लोग टॉयलेट आ चुके हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा और स्कूल के ट्रिप्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि सैटरडे संडे तो आप लोग बिल्कुल ना आए, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है समझ नहीं आ रही झूला कैसे मिलेगा। लाइक सीरियसली आप लोग देखिए कितना रश है, ऐसे रश है जैसे यहाँ पे फ्री के झूले मिल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं साथ साथ देखते क्या हो रहा है। गांडा पे आके बैठ गए और आप लोग देख रहे होंगे मैंने अपने गले में बैग कैसे पहन लिया और कितने गोल गोल घूमेगा और गिर भी सकते हैं। और ये देखें ये इस लड़की ने ना बच्चों को उठा के अपनी सीट वापस ले ली, कहती है आप लोग गिर जाओगे यहाँ से तो आप लोग अगर बच्चे हो तो आप लोग आगे हो जाओ, इसलिए ये हरकत की है। मैंने स्टार्ट ही नहीं है लगा, चलो मोबाइल के बाहर ये स्टार्ट हो गया होगा। मुझे लगा इधर करके उधर रखने में तो खैर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और अभी मैं भी घर जा रही हूँ और ये मैडम भी घर जा रही है। फाइनली ये दुपट्टा कहाँ से आया तुम्हें? क्या ये स्टॉल है माशाल्लाह। तो खैर अभी हम लोग घर से आ रहे हैं तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग मेरा इसलिए बहुत लेट आया क्योंकि मुझे डेंगू हुआ था। दोबारा ना बताओ तुम। हाँ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखें। हाँ हाँ और क्या करें, और बस अल्लाह लाइक सब्सक्राइब, लाइक करें सब्सक्राइब करें इसको फॉलो करें जो भी हो सकता है फॉलो करें। इंस्टाग्राम नहीं और वैसे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो प्लीज़ कर सकते हैं और करें और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।